नमस्कार अभ्यर्थियों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यदि आप हिंदी साहित्य का चयन कर लिया है और आप यदि किसी क्लासरूम से जुड़ रहे हैं या फिर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ कुछ बुक्स पढ़ना चाहिए। मतलब मैं कुछ रेफरेंस बुक आपको बताऊंगा। आप कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, वहाँ तो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कई लोग पूछते हैं मुझसे सवाल कि सर, संदर्भ पुस्तकों की सूची बता दीजिए, कुछ ऐसा जिससे हम उन पुस्तकों को पढ़ सकें। तो मैं कुछ मूल पुस्तकों के अतिरिक्त, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, संदर्भ पुस्तकों को बताऊंगा जो आपके सिलेबस में, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, उसके आधार पर अपनी तैयारी को आप आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक देखो, भाषा विज्ञान है, तो उसके लिए आपके पास किताब होनी चाहिए, हिंदी भाषा की परंपरा और विकास, डॉक्टर राम प्रकाश जी का है, और डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की भी किताब देख सकते हो, भोलानाथ तिवारी जी की भी किताब देख सकते हो। आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे, सरल सहज लगे, आप उसको ले सकते हो। तो भाषा विज्ञान के लिए आप इन पुस्तकों को एक बार देख सकते हो। मैं आगे और को कुछ और पुस्तकें बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में बहुत अहम होगा। आपको एक सामान्य समझ बनाने के लिए एक पुस्तक आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की है, साहित्य शास्त्र। ये 11th क्लास की बुक है, ठीक है, एक बेहतर समझ बनेगा। एनसीईआरटी की ही 12th क्लास की हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है, ठीक है। वो हालांकि आता नहीं, आप उसे दूसरे नाम से यानी दूसरे प्रकाशन से अब आता है, आप वहां से भी पुस्तक खरीद सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, या आपकी रेफरेंस बुक है, आपको एक बेहतर समझ बनाएगा इस विषय में। आगे देखोगे तो अब हमारे सामने आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पे पर्याप्त सामग्री मौजूद है। इस पे देखो, बेहतर जो कंटेंट है वह है इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू कंटेंट आप देख सकते हो, बहुत बेटर है। वो भी कौन सा? एमए का। आप चाहो तो आचार्य शुक्ल जी की किताब को देख सकते हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो पुस्तक है उसको देख सकते हो, अच्छी किताब है। यहाँ पे आप डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है उसको भी देख सकते हो, यदि आप बेहतर समझ बनाना चाहते हो तो। उसी में एक और रेफरेंस बुक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। सभी लोग ये सारी पुस्तकों की सूची लिख लो, और संवेदना का विकास, ये जो किताब है, ये किताब है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधित है, ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। सारी किताब आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए पर्याप्त है आपके सामग्री में। अब देखोगे कि पद्य साहित्य आपका सिलेबस का एक हिस्सा है, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। आप यहाँ पर बहुत सारी किताबें जो आपको हेल्प देगा, आप देख सकते हो कबीर। सबसे पहले यदि हम कबीर जी को देखो, तो इनके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक पर्याप्त है, ठीक है, ये देख सकते हो। भ्रमर गीत सार यानी सूरदास, इसके लिए आचार्य शुक्ल जी ने ही भ्रमर गीत सार में आप देखो कि जो भूमिका है उस भूमिका में काफी कुछ बताया हुआ है, आप उसको जरूर देख लेना। ये पुस्तक मैंने उपलब्ध कराया हुआ है। जैसी की जो रचना है, जैसी के बारे में जानना है, तो उनके लिए एक यहाँ भी आचार्य शुक्ल जी की जो पुस्तक है उन्होंने संपादित किया है, उसमें जो भूमिका है आप उसको रीड कर लेना, बहुत काम आपके आएगा। इसके अलावा एक और लेखक है जिनकी किताब आपको बहुत सहायता प्रदान करेगा, वो है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही, सॉरी, इनके कथन से कई बार यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपके। तुलसी जी के बारे में आपको व्यापक जानकारी चाहिए आपके सिलेबस में, तो लेखक है उदय भानु सिंह, उदय भानु सिंह, इनकी किताब देख सकते हो। तुलसी पे हालांकि मैंने बहुत सारा क्लास लिया, आप देख सकते हो, वहां से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा,
और भी कुछ रेफरेंस बुक आपको दिखाई देता है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक और किताब है इनसे संबंधित, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, आप वो भी पुस्तक देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कामायनी, कामायनी पे दो पुस्तकें बता रहा हूं मैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जानकारी को बेहद करेगा। पहला है इसका मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन, जो है इंद्रनाथ मदान, इंद्रनाथ मदान मैंने पढ़ा हुआ है। और एक और पुस्तक है डॉक्टर नागेंद्र जी की, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लगभग सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी हुई है, तो उस आधार पे आपको मैं नोट्स भी देता हूँ। ठीक है, तो कामायनी के लिए आप ये दोनों चीजों को देख सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं निराला और मुक्ति बोध को देखते हैं, निराला और मुक्ति बोध। इनके लिए इनकी जो एक किताब है नंद किशोर नवल, इनके कई बार मैंने आलोचना आपको बताया है जब पढ़ाया था, तो ठीक है, इनकी पुस्तक है आप देख सकते हो, उनकी जो चार लंबी कविता उसके बारे में इन्होंने, और फिर दूधनाथ सिंह की एक किताब है निराला पे, आलोचक हैं अभी भी। इनकी पुस्तक का नाम है निराला एक आत्महंता आस्था, आत्महंता आस्था, बहुत अच्छी किताब है, जरूर पढ़ लेना। मुक्ति बोध पे ही एक और किताब मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा पढ़ने के लिए, बहुत ही सरल सहज है, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, ये भी किताब आप देख सकते हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, डॉक्टर नामवर सिंह, बहुत बड़े आलोचक थे। ठीक है, एक कविता, माफ करना, एक किताब है जिसका नाम है असाध्य विना और अज्ञेय, जो आपके सिलेबस में है, इस पे एक किताब जो है वो है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह की, संपादक है इसके रमेश चंद्र शाह, ये किताब भी आप देख सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आपकी तैयारी को बेहतर दिशा देगा यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। एक किताब है कविता का परिसर, पदखंड के लिए आपको बहुत लाभ देगा, कविता का परिसर, इसके लेखक है रामेश्वर राय। सॉरी, आप देख सकते हो। अब मैं चलूं गद्य साहित्य में, सॉरी, तो गोदान पे आप एक प्रसिद्ध किताब है उसको ले सकते हो, पढ़ सकते हो, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र, सत्य प्रकाश मिश्र जी की किताब है गोदान का महत्व, आप इसे पढ़ सकते हो। मैला आंचल पर गोपाल राय जी का एक किताब है जो आपको बेहतर समझ बनाएगा, ये किताब भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, गोपाल राय जी का। स्कंदगुप्त पर एक पुस्तक है सिद्धनाथ, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, भारत दुर्दशा, इस पर एक किताब है कथ्य और शिल्प, डॉक्टर रेवती रमन, वो रेवती रमन है जो मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के, वो है ना, ये दूसरा है। और
ये किताब है मोहन राकेश पर। किताब का नाम है आधुनिक नाटक का मसीहा। आधुनिक नाटक का मसीहा। इसके लेखक हैं गोविंद चातक। अच्छी पुस्तक है सारी, आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। मैं रेफरेंस बुक बता देता हूँ आपको, जो लोग पूछते रहते हो। चिंतामणि विमर्श एक पुस्तक है, जो आपको पता है आचार्य शुक्ल जी ने चिंतामणि निबंध लिखा था। ये पुस्तक है राम कृपाल पांडे जी का, राम कृपाल पांडे जी का। अब बचता है हमारे सामने एक दुनिया समानांतर, एक दुनिया समानांतर। तो यहां पर आप इस किताब को जब पढ़ोगे तो राजेंद्र यादव ने जो भूमिका लिखा है उस भूमिका को जरूर पढ़ना, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी क्लास के माध्यम से, अन्य नोट्स के माध्यम से आपको चीजें लगभग मिल जाती है। तो आप चाहें, जो लोग चाहते हैं कि संदर्भ पुस्तकें उनको प्राप्त हो उससे वो पढ़ें, तो आप इन पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको लगता है मुझे बुक्स पढ़ना है, तो आप इस माध्यम से इन सारे संदर्भ सूची को देख सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जो आपकी हेल्प करेंगी, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हिंदी साहित्य में नित्य नए नए जो चीज़ें हो रही है उस पर आपको जानकारी देंगे। उसके अलावा मैं स्वयं एक पत्रिका निकालता हूँ, साहित्य सौंदर्य, जिसके माध्यम से आप हिंदी साहित्य की तमाम जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी क्लास नोट्स, वो भी बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ पे आपको चीज़ें आसानी से और एक प्रणालीगत चीज़ों से आपको मिल जाता है। इस आधार पर आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।